हे गाइस, मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं फिर से टेक साक के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये छोटा सा ब्लॉग है जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप थिंक लाइन को सेटअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अगर सिंपल आपको प्रोसेस देखनी है तो आप हमारी पूरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बट अगर आपको लाइव देखना है बिना किसी एडिट के कैसे कैसे मैंने ये सिस्टम सेट किए, थिंक लाइन कैसे कैसे क्या क्या किया, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है। मतलब यहाँ पे पहले थिंक लाइन चल रही थी बट मैं इस जो जो ये पीसी है इसमें दोबारा से विंडो पड़ी, तो ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो हो जाती है। और यहाँ पे कोई भी मैं राउटर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिंपल एक पीसी है, एक स्विच है जिससे मैं मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो डिवाइस है वो क्वांटम की है। अगर आप कोई और कंपनी या कोई और मतलब मैन्युफैक्चर की आप यूज करते हैं थिंक लाइन, वो भी सिंपल ऐसे ही काम करती है, क्योंकि जो थिंक लाइन का फंडामेंटल होता है वो RDP पे काम करती है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के ऊपर। तो सिंपल सभी का सेम प्रोसेस है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरी 25-26 मिनट की है। अगर आप देखेंगे कुछ सीखेंगे ज़रूर। प्लीज़ स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई और क्या चीज़ आपको समझ में आई है। और मैंने आपको पहले ही मैंसन किया, अगर आपको पुरानी हमारी वीडियो देखनी है उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन है, वो भी देख के आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यार मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखिए। नेटवर्क नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कंट्रोल पैनल में जाओ। अब जाओ नेटवर्क एंड इंटरनेट ना ना जाए काटो ऊपर, ठीक है। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सेंटर ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जी। हाँ बस 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 ठीक है। अब ईथरनेट केबल कनेक्ट करो। रुको, सबसे पहले हम सिंगल सिस्टम सेट करें। जू जाए ऑन करो, जाकि जो लैन केबल जामे से लगी है पीछे से जवाली जवाली निकाल रहा हूँ अंतर निकाल रहा हूँ, ठीक है। जाके सिंगल ले आओ, एक सिस्टम पहले हम लोग सेटअप करिए, बाकी बाद हम लोग हाँ फिर बाद में फिर नेटवर्क पूरा डाल रहे हैं। पहले एक करो, ठीक है। जो सिस्टम चालू करो, चालू करो, चालू हाँ चालू ही है, और सामने थिंक लाइन चालू है, जा चालू करो, जा चालू करो, ठीक है, चालू होगी। बस 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 अब जाए रिसेट करो, सेटिंग हो जाओ, सेटिंग हो जाओ, सेटिंग में हाँ रिस्टोर टू डिफॉल्ट करो, रिस्टोर टू डिफॉल्ट, ओके ठीक है। जब पूरी रिसेट होगी अब ओके, अब जाके पीछे देखो केबल वेबल कनेक्ट है, कनेक्ट हुई है, जा केबल ले आए के। अब तुम्हारे पास अगर राउटर नहीं है तो तुम डायरेक्ट जाइस कनेक्ट करने पड़े, जाइस कनेक्ट करो, इधर नहीं है कनेक्ट करो। जैसे ही तुम जहाँ कनेक्ट करे हो यहाँ पर कुछ पॉपअप होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो कनेक्शन सही नहीं है, कनेक्ट करो, घुस दो पूरी। अगर यहाँ पर कनेक्शन आए रहा है इसका मतलब सही है, नहीं तो ड्राइवर मांग रहे, देखो आएगो कम्युनिकेट करने लगी दोनों सिस्टम। अब हम लोगों को मैनुअली IP असाइन करने पर है, क्या हमारे जहाँ नेट तो है नहीं, जो DHCP से जाए IP मिले नहीं मिले तो हम लोग मैनुअली असाइन करें। तो बाकी ला हम लोग चाहिए जहाँ पे क्लिक करें, ठीक, प्रॉपर्टी में जाइए। अब जा टाइम केबल जो सिग्नल सेंड कर रहा है रिसीव नहीं कर रहा, केबल सेंड हो रहे रिसीव तभी करें जब जू कम्युनिकेट करने लगे सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले IP4 सेटअप करें, जाए सेट करो 10.10.10.10.1। हम लोग सेट कर सकते 192.168.1.1 पर, बार सब सेम ही हो तो थोड़ा यूनिक करना चाहिए, जहाँ में ऑटोमेटिक सबनेट आए थे 255.0.0 को। अब नीचे सेट कर दो, ना करो कछु ना सेट करो, डिफॉल्ट गेट भी बनवा दो जो ओके कर दो, ठीक। जाए हम लोगों ने IP असाइन कर दो, अब जब जाके प्रॉपर्टी देखे हो जाए काटने के बाद प्रॉपर्टी देखे हो सॉरी डिटेल्स देखे हो तो जाए IP देखो। अब जो कम्युनिकेट नहीं करो तो यहाँ सो नहीं हो प्रॉपर्टी में गए IPv4। अब बहु नहीं साइड सेव नहीं करो, सेव करो 10.10.10.1 करो, 10 10, रुको ओके कर दे, ओके ऊपर ऊपर
ऊपर करो। रुको रुको एक सेकेंड करो। 10.10.1 ठीक। जस्ट अब जाए अप्लाई करने पर है। ओके करो, ओके करो, क्लोज करो। अब जाए जाओ तो डिटेल जब देखियो तो ये देखो 10.10.1 दिखने लगो। जाए आईपी मिल को। अब सेम सब नेट पे हमें जो में आईपी सेट करने पर थिंक लाइन में सबसे पहले हम सेटिंग में जाएं। डीएससीपी हटाएं, आई स्टैटिक करें, जहाँ आईपी सेट करें हम लोग 10.10.10.11 एक बार अब हम 11 से स्टार्ट करें। सबनेट सेम दी 255.0.0.0.0 सेम सबनेट पर रखें। और स्टैटिक राउटर हम सेट करें या नहीं, अगर नहीं को कर सका तो 10.10.10.1 करो। 10.10.10.1 सबनेट जो का तो या सेव करो, यस पे क्लिक करो। अब तुम जाओ सेटिंग में, सॉरी कनेक्शन में। अगर जो आई पी एन सेम दिख रहा हुआ है इसका मतलब कनेक्शन सही है कि सिस्टम पे। टेस्ट पे क्लिक करियो, चेक करो। चेक नहीं हो सका था क्योंकि अभी तुमने कहीं सेट नहीं करो। ठीक ठीक। पर जाको हम लोगों ने 11 करो है तो हम जाए पिंग करिए जा सिस्टम से। बोलो सी एम डी बोलो। हाँ सी एम डी बोलो भाई, काटियो ना, ये डायरेक्ट सर्च करो सी एम डी। ठीक है खोलो। अब यह एन करो पिंग PING PING स्पेस 10.10.10.11 ठीक है। इंटर करो। इंटर करने के बाद ये देखो पिंग बैक आ रहा है, मतलब कि वो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है, डाटा हमारा लॉस 0% है, मतलब जी आपस में कनेक्ट हो चुके। अगर तुम वन पे जहाँ पे रिसीव 0 है तो वन देखे हो जाए तो तुम्हारा जो डाटा आ हुआ है ये आपस में दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जैसे मान लो अपने गलती से सेम कमांड पिंग वाली, हमने 11 तो सेट करो, हमने 12 नहीं सेट करो। अगर हम 12 को पिंग करेंगे तो डाटा लॉस हो गया, पिंग हो रहा बैक नहीं आ रहा, मतलब कि जो जब है ही नहीं हमारे सब नेट में तो आई है कहाँ से, मतलब जो कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक, मतलब इनको कनेक्शन बढ़िया हो। अब तुम आगे की प्रोसेस करें। ऑनियन पे कोई बिंदी नहीं आना चाहिए, ना चिरैया आना चाहिए, ना क्रॉस आना चाहिए, ना तिकोनी आना चाहिए। इन क्रॉस जाके मारा है क्योंकि इंटरनेट नहीं है। ठीक है, अब जाए मिनिमाइज करो। अब हम लोग जाइए कहाँ पर, इन पे हम लोग सर्च करें फायरवॉल, FIRE फायरवॉल। रुको, हम लोग विंडोज़ फायरवॉल में जाइए। जा विंडोज़ फायरवॉल, फायर वॉल्स को हम लोग डिसेबल करें, टर्न ऑन ऑफ जिलेगी ऑप्शन, टर्न ऑफ फायर वॉल, फायर वॉल ऑफ कर दें। ठीक, एक सेटिंग और करें। अब हम जाइए प्रॉपर्टीज़ में, फिर जाए इन पर एडवांस सिस्टम सेटिंग में, फिर ऊपर जाए रिमोट पे, जाए हम लोग अलाउ करें। ठीक, ओके, सेलेक्ट यूजर, यन पे अब यूजर हम लोग ऐड करने हैं, हमारा लोकल सिस्टम है तो हम सब ऐड करते हैं एक ही टाइम एवरीवन। तो हम लोग ऐड पे क्लिक करें, यन सर्च करें एवरीवन, ईव एवरीवन, मतलब ईवीईआर सर्च कर लो, अपने आप सर्च कर लो, आ जाए एवरीवन ऑटोमेटिक आएगा। एवरीवन करवे से जाओ है कि सारे यूजर जितने यूजर हो हैं हमारे रिमोट एक्सेस कर सका था, वैसे हम गिने चुने यूजरों को एक्सेस दे सका था, 1, 2, 3, 4 एवरीवन से मतलब सब एक्सेस कर लेंगे। ओके ओके, रिमोट एक्सेस इनेबल होएगी। अब हम लोग यहाँ पे फिर जाइए कंट्रोल पैनल में, जाए हम लोग लार्ज पे करें, और जहाँ में हम लोगों को अब करने पड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाए के बाद हमें यूजर बनाने पड़े कंप्यूटर मैनेजमेंट, डायरेक्ट टू सर्च कर सकते हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट बट जहाँ ढूंढने को तरीका पता होना चाहिए। फिर हम लोग जाए लोकल यूज़र एंड ग्रुप में, फिर यहाँ पे यूजर्स पर क्लिक करें तो ये यूजर्स आएंगे, हमें ये यूज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास 10 सिस्टम है तो 10 यूजर हमें क्रिएट करने पड़े। तो फिर यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करें, जहाँ पे लिखो एक, जहाँ पे एक, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है एक। ठीक, पासवर्ड हम लोग रखें 1, 2, 3 1, 2, 3
और हम लोग चाहे अनटिक करें, ठीक, और अकाउंट कैन नॉट चेंज पासवर्ड, चाहे टिक कर दिए, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ये दो टिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर दिए। अब बार बार क्रिएट ना करने पर है, तो दोबारा ही अब दो ही लिखें, दो एक दो तीन, फिर टिक हटाए, ये दोनों टिक लगे हैं और से क्रिएट कर दिए। ऐसे हमारे पास 10 सिस्टम है, तो 10 यूजर बने, बनाओ जल्दी जल्दी। 3.1.6.2 अगर विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो जा सही है, नहीं तो विंडोज 10 के लिए अपडेटेड वर्जन हमारी साइट पर पड़ोगा। तो चाहिए हमें MSI जिप फाइल डाउनलोड करना है, जो हमारा डाउनलोड है वो, सो ऑल पे क्लिक करना है, कीप डेंजरस फाइल पे क्लिक करना है, कीप एनीवे, हमें पता है वायरस नहीं है, ठीक है, सो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, फिर जाए एक्सट्रैक्ट करना है, जाके लाएँ आपके पास बिनरार होने चाहिए, फिर ये ऑप्शन आएंगे, अब हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ओपन, यस, ये फाइल हमारी इंस्टॉल होने लगी, स्टार्टिंग सर्वर, कॉन्फ़िगरिंग फायरवॉल्स, प्रेस, और जो एरर आओ, दिस प्रोग्राम माइट नॉट इंस्टॉल करेक्टली, कोई दिक्कत आई है, इसको कैंसिल किया, स्पेस बटन दबाया। अब हमें यहाँ से IDP चेक करना है, यस पे क्लिक करिए, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करिए, कनेक्टिंग, प्लीज़ वेट, अगर ये चीज़ आएगी ऑप्शन, इसका मतलब IDP सही से सेटअप हो गई है। अब हम IDP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, यस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड, रनिंग, लिसनिंग और फुल्ली सपोर्टेड लिख के आया रो। अगर आपके में फुल्ली सपोर्टेड नहीं लिख के आया रो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो है, वहाँ आप देख सकते हो, पोर्ट 3379 ही रहे हैं, और फिर ऑथेंटिकेशन, IDP ये सब अब चीज़ें हमें जैसी ही वैसी रान दें, अप्लाई, ओके। अब हम लोग बात सिस्टम में जाइए, अब देखा था क्या होता है, तो यहाँ पर हमेशा होम नेटवर्क का ही करो जाता है, इसमें हो गया सेट। अब दोबारा से कनेक्ट करने, कनेक्ट करो दोबारा से कनेक्ट किया, इस बार देखो वेट आओ, पर ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और ये देखो कनेक्शन लॉगिन हो गया, ये भी सेशन चल रहा है, रिफ्रेश करो, हाँ ठीक, ये भी सेशन चल रहा है, ये भी सेशन चल रहा है, मतलब दोनों सिस्टम थिंक लाइन से अब कनेक्ट हो गए। अब हम लोग कनेक्ट करने जा रहे एक से ज़्यादा सिस्टम, अब हमारे सिस्टम में तो एक ही है कनेक्शन, मतलब पोर्ट, हमें सिस्टम करने 10-15, तो हमें चाहिए एक स्विच इस तरीके को, तो स्विच को कनेक्ट करें जा से, और बाकी सिस्टम कनेक्ट कर दिए स्विच से, चलो कर रहे कनेक्ट, स्विच जू वालों कनेक्शन हटाओ, जो कनेक्शन वहाँ में कर दो, हाँ ये हटा, देखो काफ़ी लोग कहेंगे कि ये देखो फर्जी है, देखो हट गया, ये देखो हैंग कर गया, हैंग हो गया मतलब ये कनेक्शन लॉस कर चुका, ये जो केबल थी इसकी हमने स्विच में कनेक्ट कर दी, और स्विच को जो स्विच की थी, स्विच को हमने कनेक्शन दे दो जाम है, स्विच को कनेक्शन दे दिया मैंने इससे, तो यहाँ पे देखो पहले नंबर वाली लाइन कनेक्शन हो गई है। अब हम दोबारा से सिंक लाइन कनेक्ट करने वाले हैं, ये देखो हमारी कनेक्ट होगी, नहीं हुई अभी, अभी स्विच सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो अब हम क्या करें, बाकी सब कनेक्शन हटाओ, सबरे कनेक्शन हटाओ, बिल्कुल केबल सब हट गए, सब हटाओ, हाँ। अब जो इनपुट आओ है, जो जाए कनेक्ट करो नौवें नंबर पर, हाँ ये कहें आठवें नंबर पर करो कनेक्ट, आठवें नंबर पर हमने स्विच को कनेक्ट किया, और ये देखो आठवें नंबर हमारी लाइटें में लग गई है। अब जो जा सिस्टम को आओ कनेक्शन, जू हाँ जाए कनेक्ट करो पहले नंबर पर, तो हमारी आठवें और पहले नंबर दोनों कनेक्ट है। अब हमें अपने सिस्टम में एक चीज़ और देखना पड़ेगा,
प्रॉपर्टी में गए हैं, अब हमारी नेट की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और जाए फॉरगेट कर सकते हैं। जा चीज जो चिड़ैया जब तक जा आ रही दोबारा से कर रहे कनेक्ट चलो पहले डायरेक्ट कौन सुन आते उधर नेटवर्क सिलेक्ट करके चले आया हूँ मैं यार बकरी से अब वो नहीं है सब इनको जू गड़बड़ करा है मामला होम नेटवर्क सेट करें देने जाए कैंसिल कैंसिल अब हूँ अनआइडेंटिफाइड आयर हुआ हमें लग रहा है अच्छी रही है अब थोड़ी देर में जान वाली है हमने वहाँ से पिंक किया ही हट गया कनेक्ट पर क्लिक करो वेगो लॉगिन वेगो लॉगिन चिड़ैया हट चुकी है ना अब कोई दिक्कत नहीं अब हमें जू वालो सिस्टम अब देखो अब देखो पूरी है मेरी डिलीट कर देगा डिलीट करें अब देखो अब हम लोग जो है सेटिंग में रिस्टोर डिफॉल्ट ओके चालू हुई है अपने ना रिसेट करो जा सिस्टम को लैन केबल कहाँ कनेक्ट है देखो जाकि लैन है कहाँ जाकि लैन हाँ देखो पक्का जाइए ठीक है लेन उठाओ इन पर टैगिंग वैगिंग करो यार अब जा हमने सेकंड में कनेक्ट कर दो दूसरे पोर्ट में दूसरे पोर्ट में भाई के बगल में कर दो क्या दिक्कत है कर दी पूछो भाई पूरी पूछ तो दी हाँ डबल पाल तो भी यहाँ एक दो तीन अब जाइए देखो सेटिंग में जाओ जो आई पी असाइन करो 10 लिखो नमलॉक को ऑन कर लो नमलॉक लिखो 10.10.10 11 बम्पर आ चुके 12 बनाओ जाए 12 हाँ सब नेट लिखो नीचे 255 .0.0.0 बस 0 और करो एक ना नीचे आओ 10.10.10.1 10 दस डॉट दस डॉट एक एक ठीक अब सेव करो ठीक ओके करो कनेक्ट पे जाओ कनेक्ट अगर जो आई के नीचे लिख के आए वो तो सही है 12 है अब जा मैं आओ
कनेक्शन तो है ही, सीएमडी खोलो, सीएमडी कहाँ से सर्च करो, सीएमडी आओ तुम आओ सीएम लो तुम बाद में कर लियो, सीएमडी खोलो खोलो अब पिंग करो बायो सिस्टम को पिंग जी स्पेस 10.10.10.12 पिंग वेरो एंटर करो पिंग वेरो है मतलब वो सिस्टम अब कम्युनिकेट कर रहे हो जहाँ से आओ अब जहाँ में हम लोग न्यू यूज़र बने हैं जहाँ में लिखे हो हम लोग दोए एक हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं दोए नंबर नीचे दोए नीचे सॉरी आईपी एड्रेस हम लोग आईपी डाले पास सिस्टम को 10.10.10.1 मेन सिस्टम को आईपी आ टैप अब जहाँ में आ दोए नंबर नीचे आ पासवर्ड 1 2 3 हम लोगों ने बनाए तो डोमेन हूँ दो या तो हाँ दो सेव करो ना 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 टेस्ट पे जाओ कनेक्ट करो चेक करो अगर ये पिंग हो रहा है अनेबल टू रीच है मतलब कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा कनेक्शन पे जाओ कनेक्शन कनेक्ट करो ये भी खुल गया वो भी चल रहा वो भी खुला हुआ अब आओ जाए सेट करो सबसे पहले जो कनेक्ट है देखो हाँ कनेक्ट है ओके है नहीं ये वाला नहीं कनेक्ट है ये स्विच को कनेक्शन हम लोगों ने पीछे से जो हरी वाली केबल हरी ना 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 स्विच की कौन सी है स्विच की देखने देखो स्विच की हरी हुई है हाँ हरी वाली है हरी नीली वाली या नीली वाली आई और जहाँ नीली जहाँ हम लोगों ने लगाया थी बुझो सही लगाओ सही लगा बुझ रही पूरी डबल पान लगी हाँ ठीक है हरी वाली डबल पान लगी 3 नंबर और जा वाली सिस्टम की लपल पाए रही जो की लपल पाए रही रिसेट करो रिसेट हो चुका है कैंसिल करो रिसेट करो सेटिंग में जाओ रिसेट रिसेट टू डिफॉल्ट ओके हो गया रिसेट सबरी रिसेट कर लो ताकि कोई छिड़ी भाई सेटिंग रिसेट हो जाए 11 जामे दे दो मेन सिस्टम जो है 12 जामे दे दो 13 जामे दिए बाद में इन पे नाम डाल दियो 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर तो जैसे आराम रहे देखो रिसेट खोलो तब तक चाहे रिसेट कर लो जैसा हमने रिसेट करवाया थे तब अब सेटिंग में जाओ सेटिंग में स्टैटिक पे जाओ ओके आईपी डालो 10 नम लॉक ऑन करो 10.10.10. ना एक नहीं 12 है जो 13 जाइए 13 सबनेट डालो 255.0.0.0.1 बस हाँ ठीक सही है 0.0 रही है आईपी डालो जहाँ में आईपी 10 रूट आईडी है .10.10.1 या मेन गेटवे होता है ठीक जैसे सेव करो ओके करो ठीक आप लोगों 13 डाल रही कनेक्ट पे आओ अगर यूं पे 13 आ रही है इसका मतलब कनेक्शन सही है जो केबल्स हैं और स्विच के बीच में रुको अबे नहीं टेस्ट हुई है कनेक्शन में जाओ यूजर बनाने पर है न्यू यूजर बनाओ जहाँ में लिखो 3 नंबर फिर टैप करो जो मैं हम लोगों को 10.10.10.1 चेक आउट ऑफ हाँ ठीक लिखो 3 1 2 3 पासवर्ड 3 डोमेन नंबर 3 सेव करो ना ना भाई टिक नहीं करना तुम टिक बहुत जल्दी करो सेव करो अब हम लोग टेस्ट करें चेक करें तो नहीं बनी है नॉट रीच मिला है उस पर अभी वो ही नहीं बनाया नहीं नहीं बात से मतलब नहीं होता सेटिंग गए 13.0.1 सेव टेस्ट अब हमने जहाँ में जो आईपी असाइन करी है वह करिए 13 अब हम पिंग कर रहे हैं जहाँ से का जो कम्युनिकेट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो जहाँ में हम लोगों ने 13 सेलेक्ट करी इंटर करी पिंग तो हो रहा है बढ़िया पिंग हो रहा जू का ही नहीं पिंग कर पा रहा जो टेस्ट करें दोबारा वो सिस्टम जाए पिंग कर पा रहा वो जू नहीं कर पा रहा लो कर लो कोई कनेक्शन में दिक्कत आती कनेक्शन सही होएगा केबल गड़बड़ आती अब करो कनेक्ट चालू ये भी चालू
ये भी चालू। अब आ जाओ मैं सेटिंग स्टैटिक अपने मन से करो। .255.0.0.0 जीरो नीचे आओ .10.10.1.1 नीचे आओ सेव करो सेव ओके कनेक्शन पे जाओ। ये देखो अगर पिंग आया मतलब आ रही हो वही आई पी जो आ रही है इसका मतलब कनेक्ट है। फिर आओ न्यू यूजर बनाओ। तीन बनाया था चार है चार नीचे आओ .10.10.1.1 टैब फिर लाओ चार नंबर एक दो तीन फिर चार नंबर सेव कर दो ठीक कनेक्ट करो। इस बार टेस्ट नहीं करो इन्हें कटा कर दो ठीक है इन्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया। फिर आओ सेटिंग में फिर सेट हम लोग कर चुके ऑलरेडी सब है। निम्ला कौन करो हाँ पंदा सीरीज जाके मारे रख रहे हैं ताकि हम लोगों को याद रहा है। 255 255 .0.0.0 .0.0.0 रूट डालो .10.10.10.1 बन सेव करो ओके। हम लोग न्यू पे जाए सेव होगी होगी कनेक्ट पे जाओ कनेक्ट देखो आएगी आई पी हम लोग यूजर बने जाना पाँच फिर नीचे आओ पाँच नंबर पासवर्ड एक दो तीन फिर आओ नीचे डोमेन नेम में पाँच सेव कर दो टेस्ट पे क्लिक करो चेक करो ओके कनेक्ट पे क्लिक करो कनेक्ट चालू। एक सिस्टम दो सिस्टम तीन सिस्टम चार सिस्टम पांच सिस्टम सब चल रहे हैं। अब एक और बचो जो सेटिंग कर रहे हैं .10.10. ले भूल गए इतनी जल्दी है? एक काट डाल दो अरे सॉरी क्या जो आईपी सेट कर रहे हैं जाके सेट कर रहे हो जी 16 है हाँ 16 सबनेट डालो 255.0.0.0 हाँ फिर राउट पे डालो फिर डालो .10.10.10.1 सेव करो कनेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक। नेक्स्ट कनेक्ट पे जाओ न्यू यूजर बनाओ। अब जहाँ हम लोग नव यूजर बने छः नंबर आईपी .10.10.10.1 ये रिमोट की सेम ही रहा था सब में छः पासवर्ड एक दो तीन फिर सेव करें सेव करें टेस्ट करें कनेक्ट करें पिंग हो रहा कनेक्ट पे जाइए कनेक्ट कर दिए सीधे चालू रिफ्रेश करो जाए कनेक्ट हो एक बार मैं देखने सब कनेक्ट है या नहीं है। ये इन वाले जा वाले सिस्टम में दादा बुननेट हटा दियो हटा दियो रिफ्रेश करो वर्किंग फाइन रिफ्रेश करो वर्किंग फाइन चलो आगे रिफ्रेश करो वर्किंग फाइन चलो रिफ्रेश करो ठीक आगे आओ रिफ्रेश करो जब वर्किंग फाइन चलो आओ रिफ्रेश करो ठीक है सब सिस्टम बढ़िया से काम कर रहे हैं। ये काट रहे हैं इसको काट रहे हैं इसको भी काट रहे हैं और हम लोग इसको लॉक कर रहे हैं लॉक किया स्विच यूजर तो यहाँ पे आपको पता चल जाए कितने यूजर रनिंग में है।
देख, 1 2 3 4 5 6 यूजर ऑलरेडी रनिंग में है। अब देखो, अब हम एक सिस्टम ऑफ कर रहे हैं, यस शट डाउन कर रहे हैं। देखो मेरे पास 7:30 बजे आप फोन करना, सारे सिस्टम ऑफ, ठीक है, सारे सिस्टम ऑफ हो गए, ताकि अब एक बार दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, काट दे यार भैया। चलो अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इसको ऑन करना, सारे स्विचेस को ऑन कर देना जितने भी आपने स्विचेस लगाए, ठीक। ये अपना सिस्टम चालू हो गया। सिस्टम ऑन हो गया, अब इसको ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन अब चेक करें, कनेक्ट करो, चालू हो गया सिस्टम, कनेक्ट करो। नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपको कनेक्ट करना, सिस्टम आपका ऑन होगा। कनेक्ट किया, ऑन हो गया, कनेक्ट किया, ऑन हो गया, कनेक्ट किया, ऑन हो गया, कनेक्ट किया, ऑन हो गया। सारे सिस्टम आपके बहुत बढ़िया तरीके से, वेलकम स्क्रीन आ रही है सामने, डेल 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 और अपना डेल। और ये बहुत ही पुराना सिस्टम है, i5 है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ओके।